धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं अत्यंत लोक महत्व के विषय के अंतर्गत आपके माध्यम से मेरठ महानगर रामायण काल व महाभारत काल की विभिन्न प्राचीनतम व ऐतिहासिक धरोहर में से एक धरोहर जो मुगल काल में भी संघर्ष कर चुकी है, धरोहर माँ चंडी देवी मंदिर परिसर की प्रतिष्ठान उसके अनुसार कराए जाने की ओर है। इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि महोदय, उक्त ऐतिहासिक मंदिर का संबंध रामायण काल वह पतिवर्ता मंदोदरी के बाल्यकाल से पूजन स्थल में से एक है। महाभारत काल में पांडवों के द्वारा हस्तिनापुर क्षेत्र का एक भाग होने के कारण इसकी पवित्रता, ऐतिहासिकता व धार्मिक निष्ठा संपूर्ण समाज में तब से लेकर आज तक चली आ रही है। सरकारी रिकॉर्ड में भी मंदिर चंडी देवी के नाम से यह धार्मिक स्थान आस्था का केंद्र है दर्ज है। अंग्रेजों द्वारा मेरठ के विषय में प्रकाशित गजट में इस धार्मिक स्थल पर होने वाले प्रतिवर्ष के विभिन्न उत्सव में ऐतिहासिक मेला स्थल वास्तव में उल्लेख है। महोदय, इस धार्मिक स्थल की अपेक्षा लगातार समाज को प्रताड़ित करने के लिए ही की जाती रही है। इस मंदिर परिसर की चारों ओर की भूमि को कुछ अतिक्रमणकारियों ने द्वारा कब्जा किया है। अतः आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि इस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा हेतु एक सर्वे सरकारी स्तर पर पुरातत्व विभाग द्वारा कराया कर इसकी वास्तव में रिपोर्ट मांगी जाए तथा तहसील मेरठ के समस्त पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इसकी जांच कराई जाए। कराकर परिसर की बची संपत्ति को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा अतिक्रमणकारियों के वहां से हटाकर अन्य जगह स्थापित किया जाए। धन्यवाद।